बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, एमिरेट्स एयरलाइन ने आज से ऐलान किया था, यानी कि 8 जून से जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है फ़्लाइट्स का शेड्यूल जारी किया था उन्होंने, जिसमें से जो आज से शुरू होने जा रही हैं परवाज़ें, जिसमें से कराची वो आएगी लाहौर के लिए और इस्लामाबाद के लिए, और हफ्ते में 14 फ़्लाइट्स जो है वो जो है पाकिस्तान आएंगी फ़्लाइट्स, और महीने में 56 फ़्लाइट्स होंगी जो पाकिस्तान में आएंगी एमिरेट्स एयरलाइन की, जिसमें आप लोग टिकट बुक करवा के और आप लोग जा सकते हैं। और आपने जो है जब टिकट बुक करवानी है तो मैं तो आपको जिस मुल्क में जाना है आप लोग उसकी इन्फॉर्मेशन लें, फिर आपने टिकट बुक करवानी है। ये ना हो टिकट तो आप बुक करवा लेंगे, एमिरेट्स एयरलाइन भी आ जाएगी, लेकिन जहाँ पे जा रहे हैं हो सके कि वहाँ की हुकूमत अचानक ही उस पर जो है लॉकडाउन कर दें या कुछ जो अभी सूरत हाल चल रही है, तो इसलिए जब भी टिकट बुक करवाने लगे तो आप लोग एहतियातन जो है उस मुल्क की इन्फॉर्मेशन ले लें जिस मुल्क की अपने टिकट बुक करवाने लगे, ताकि बड़े नुकसान से आप बच सकें। तो ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों का हमेशा इंशाअल्लाह के हुक्म से फ़ायदा होता रहे, बड़े नुकसानों से आप लोग बचते रहें। तो ये ताकि कई मरतबा जहन में नहीं होती, बंदा टिकट बुक करवा लेता और उस मुल्क में बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी होता कि नहीं उतरने दिया जाता, नहीं अलाउ किया जाता, बाद में जो मसला होता। लेकिन आप टिकट बुक करवाने से पहले जो है ज़रूर आप लोग इन्फॉर्मेशन लें, फिर टिकट बुक करवाएं, फिर अल्लाह का नाम ले कर आप लोग ट्रैवल करें। लेकिन ट्रैवल करने के लिए आप लोगों को मास्क और ग्लव्स जो है अपने साथ लाजमी पहनने होंगे, क्योंकि उसके बगैर आपको एमिरेट्स एयरलाइन अंदर बैठने नहीं देगी। तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए अलाउ कर दिया लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के लिए। अपना ख्याल रखें, इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई से नई अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।